दिल से बुरा लगता है डायलॉग के कारण देश भर में फेमस हुए छत्तीसगढ़ के कॉमेडियन देवराज पटेल की सड़क हादसे में मौत हो गई है। सोशल मीडिया पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसकी जानकारी दी। सोमवार 26 जून की शाम को सीएम बघेल ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया। जानकारी के साथ उन्होंने एक वीडियो भी शेयर किया जो वायरल हो रहा है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने ट्वीट में लिखा, दिल से बुरा लगता है से करोड़ों लोगों के बीच अपनी जगह बनाने वाले, हम सबको हंसाने वाले देवराज पटेल आज हमारे बीच से चले गए। इस बाल उम्र में अद्भुत प्रतिभा की क्षति बहुत दुखदाई है। ईश्वर उनके परिवार और चाहने वालों को ये दुख सहने की शक्ति दे। ओम शांति। हेलो दोस्तों, यार छत्तीसगढ़ में दो ही लोग फेमस हैं, एक मैं और एक मोर काका। औ काका सब बने 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 लेकिन एक था सवाल पूछो काका, ते टीवी ज्यादा लाइफ में एकदम स्मार्ट दिखता है काका। जानकारी के अनुसार यूट्यूबर देवराज पटेल की कार राजधानी रायपुर के पास सड़क हादसे का शिकार हो गई, जिसमें उनकी मौत हो गई। वो कॉमेडी वीडियो शूट करने जा रहे थे, इसी बीच ट्रक ने टक्कर मार दी। ये घटना खमार डी थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। आपको बता दें कि देवराज का डायलॉग दिल से बुरा लगता है सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था, जिसके बाद वो रातों रात फेमस हो गए थे। देवराज ने बीबी की वाइंस के भुवन बाम के साथ भी काम किया है। छोटी सी उम्र में ही देवराज इतने फेमस हो गए थे कि छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल भी उन्हें जानने लगे थे। एक वीडियो में वो सीएम भूपेश बघेल के साथ नजर भी आए थे। सीएम ने यही वीडियो अपने ट्विटर हैंडल से शेयर करते हुए देवराज के निधन पर दुख जताया है। हेलो दोस्तों, यार छत्तीसगढ़ में दो ही लोग फेमस हैं, एक मैं और एक मोर काका। औ काका सब बने 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 लेकिन एक था सवाल पूछो काका, टीवी ज्यादा लाइफ में एकदम स्मार्ट दिखता है काका।